7 अक्टूबर के बाद जब इसराइल ने गाजा पर हमला किया तो कुछ दिन तक इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका में समर्थन मिला, लेकिन अब ये समर्थन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये जानते हुए भी कि जंग की शुरुआत हमास की ओर से की गई थी। तो वही दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए ये भी आसान नहीं है कि वो इसराइल को इस जंग में अकेला छोड़ दे, क्योंकि इससे उनके करीबी ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश नाराज हो सकते हैं, जिनके रिश्ते यूरोप के कई देशों के साथ बहुत गहरे और अच्छे हैं। वही अगर बात करें दोनों देशों के बीच का क्या रास्ता निकाला जा सकता है, तो आपको बता दें पिछले हफ्ते ही अमेरिका डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन इसराइल गए थे सीज फायर की बात करने के लिए, जिससे हमास और इसराइल के बीच चल रही जंग खत्म हो जाए, लेकिन फिलहाल दोनों देशों की तरफ से सीज फायर पर कोई फैसला नहीं आया है। इसराइल इस जंग को अपने कब्जे में करना चाहता है ताकि हमास फिर से कभी इस तरह का हमला करने के बारे में नहीं सोचे। दूसरी तरफ अमेरिका अरब और मुस्लिम वर्ल्ड को भी साथ लेकर चलना चाहता है, जिससे वो जंग के बाद फिलिस्तीन अथॉरिटी गाजा का शासन संभाल सके और उस पर अपना कब्जा कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और हमास की जंग का शिकार अभी गाजा के ज्यादातर लोग हो रहे हैं। यही वजह है कि अब इसराइल का सबसे अहम सहयोगी अमेरिका भी इसराइल पर सीज फायर या जंग खत्म करने के लिए उसे कह रहा है। तो वही दूसरी ओर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट सीज फायर के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि इसराइल को लगता है कि सीज फायर का फायदा हमास को होगा और उसके आतंकी फिर से एक साथ मिलकर हमला कर सकते हैं, लिहाजा हमास पर आखिरी और जबरदस्त हमला किया जाए ताकि वो फिर से कभी सिर ना उठा सके। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग आज भी जारी है। जंग कब खत्म होगी फिलहाल इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मामले में अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। शुक्रिया।